असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज है 29 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों 2019 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी की दृष्टि से ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, SSC, बैंकिंग, रेलवे, PSC, पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और डेली आप जरूर देखा करें मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो हमारे चैनल पर आकर। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में हमारे चैनल से ऐसी ही करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ मैं पुराने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपका रिवीजन करा देता हूँ, तो फटाफट चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को एबल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इनमें से आपको बताना है कि किस गणितज्ञ को एबल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आपको पता है तो बताएं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों करेन उहलेनबेक को, ठीक है, करेन उहलेनबेक को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एबल पुरस्कार की बात हो रही, तो आपको बता दें कि एबल प्राइज़ जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत नॉर्वे के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे नील्स हेनरिक एबल, ठीक है, नील्स हेनरिक एबल जो है नॉर्वे के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उन्हीं के सम्मान में जो है दोस्तों ये पुरस्कार की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2001 को। कब हुई थी इस पुरस्कार की स्थापना, 23 अगस्त 2001 को। और आपको बता दें कि यह गणितज्ञों को दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, जो हर वर्ष नॉर्वे की गवर्नमेंट इसको देती है, और इसमें दोस्तों $70,000 का जो है नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो इसी में जो है दोस्तों 2019 का गणित का एबल पुरस्कार किसको दिया गया है, अमेरिकी के गणितज्ञ करेन उहलेनबेक को। ये अमेरिका के हैं, करेन उहलेनबेक, इनको दिया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 2019 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। तो जीत लिया दोस्तों बेनी एंटनी ने, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए अर्जुन नेचुरल लिमिटेड के संयुक्त प्रबंधक हैं, निदेशक हैं बेनी एंटनी, इनको 2019 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि यह जो पुरस्कार है, यह पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष व्यक्ति की श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो मनाया जाता है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे किसको दिया गया राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार, बेनी एंटनी को। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को एबल पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया, तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान मिला है। देखिए दोस्तों, ये मिला है इंदौर को, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान मिला, तो इंदौर को लगातार तीसरी बार मिल गया दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी को सबसे स्वच्छ राजधानी का सम्मान मिला है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मिला दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को, ठीक है, भोपाल को मिला ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे स्वच्छ राजधानी का सम्मान मिला है भोपाल को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। देखिए दोस्तों, 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है ये युहेई ससाकावा को। किसको, युहेई ससाकावा को दिया गया 2018 का गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2019 में स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया सो सिमोन बाइल्स को, ऑप्शन सी, ठीक है, सिमोन बाइल्स को दिया गया लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ जो है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स में ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले इटालियन कौन बन गए हैं। तो ये बन गए दोस्तों फैबियो फोगनिनी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए फैगियो फोगनिनी जो हैं रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स में ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले इटालियन बन गए हैं, इटली के खिलाड़ी हैं फैगियो फोगनिनी, याद रखेंगे आप। अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों, इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने दोस्तों दुसान लाजोविच को हराया है, ठीक है, दुसान लाजोविच को हरा दिया है, तो आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आज आपको कुछ जो है अन्य बता देता हूँ, जो आगामी स्पोर्ट्स आयोजन होने वाले हैं, आगामी
आयोजन स्थल होने वाले प्रमुख खेलों के वो आपको बता देता हूँ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा दोस्तों? कतर में होगा। ये याद रखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है ICC क्रिकेट विश्व कप जो होगा दोस्तों वो होगा इंग्लैंड में 2019 में जो होने वाला है अभी। और ICC वनडे महिला विश्व कप होगा 2021 में न्यूजीलैंड में, ठीक है। 2021 का ICC वनडे महिला वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड में होगा। और दोस्तों ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 13वां होगा 2023 का वो इंडिया में होगा। इसके अलावा ओलंपिक गेम्स आप जरूर याद रखेंगे, ओलंपिक गेम्स जो होगा दोस्तों 2020 का वो होगा टोक्यो जापान में, ठीक है। ओलंपिक गेम्स जो 32वां ओलंपिक गेम होगा 2020 का वो टोक्यो जापान में होगा, जापान की राजधानी टोक्यो में। और 33वां ओलंपिक की बात करें तो यह होगा पेरिस फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में 2024 में। एशियन गेम्स की बात करें, 19वां एशियन गेम्स ये होगा दोस्तों 2022 में हांगजू चीन में। 2018 का कहाँ हुआ था इससे पहले का? तो ये हो जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। 18वें एशियाई खेल 2018 का जकार्ता इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कौन सा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल 2019 तक पूरे देश में मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्निशमन सेवा सप्ताह, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों अग्निशमन सेवा सप्ताह जो 14 से 20 अप्रैल के बीच ये पूरे देश में मनाया गया था। और ये जो है दोस्तों गृह मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में मनाया जाता है, ठीक है। अग्नि सलाहकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों आपको बता दूं मैं कि 14 अप्रैल 1944 को जो है बॉम्बे पोर्ट में विक्टोरिया डॉक पर हुए विस्फोट और विनाशकारी आग में नष्ट हुए कई लोग जीवन के याद में जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। सभी उद्योगों में आग से बचाव के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 14 से अप्रैल से 20 अप्रैल 2019 तक पूरे देश में मनाया गया अग्निशमन सेवा सप्ताह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा बैंक नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड आधारित प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला गंतव्य बन गया है? देखिए दोस्तों ये बन गया कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक जो दोस्तों ये NPCI के ई मैंडेट API प्लेटफॉर्म पर डेबिट कार्ड आधारित जो प्रमाणीकरण समाधान शुरू किया है। यहाँ पे बात करेगा दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक की, कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड आपको कुछ बता दें कि दोस्तों एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी इस बैंक की? फरवरी 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है स्थापना, तो आपको याद रखना है कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में। इसके फाउंडर्स थे उदय कोटक। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। एग्जाम में पूछा सकता है बैंकिंग एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके MD और CEO कौन है? उदय कोटक है। और चेयरमैन है प्रकाश आपटे, चेयरमैन है प्रकाश आपटे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीग वन फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन है? देखिए तो लीग वन फुटबॉल में रेफरी बनने वाली पहली महिला जो बन गई हैं स्टेफनी फ्रॉपर्ट, स्टेफनी फ्रॉपर्ट, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्टेफनी फ्रॉपर्ट। देखिए दोस्तों फ्रांसीसी आधिकारिक स्टेफनी फ्रॉपर्ट जो है लीग वन फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे अप्रैल 2019 में प्रतिष्ठित मास्टर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों प्रतिष्ठित मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सलीम खान, मधुर भंडारकर और हेलेन को, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी को, इन सभी को मिला गया है। और इस पुरस्कार की स्थापना दोस्तों वो चैरिटेबल ट्रस्ट मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति की प्रतिष्ठान द्वारा जो है किया गया था ये, ठीक है। तो आप याद रखें कि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, नाटक, कला और सामाजिक कार्यों के क्षेत्रों में जो है दिग्गजों को दिया जाता है, ठीक है। तो मास्टर दीनानाथ पुरस्कार मंगेशकर पुरस्कार 2019 किसको सम्मानित किया गया? सलीम खान, मधुर भंडारकर और हेलेन को। अगला क्वेश्चन है, एडेन मार्क राम के स्थान पर हेम्पशायर में शामिल होने वाले भारत के पहले विदेशी खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों अजिंक्य रहाणे, ठीक है, अजिंक्य रहाणे। देखिए दोस्तों अजिंक्य रहाणे जो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्क राम के स्थान पर हेम्पशायर में शामिल होने वाले भारत के पहले विदेशी खिलाड़ी बने हैं। और उसके साथ जो दोस्तों रहाणे जो है हेम्पशायर का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, ठीक है। तो अजिंक्य रहाणे बन गए हैं। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का आंसर, जनरल दलवीर सिंह सुहाग को किस देश में भारत का एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया दोस्तों सेशेल्स में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल हमारा क्या है, ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में अभिषेक वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको बताना है कि ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में अभिषेक वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे और पूरे डिटेल के साथ लिखेंगे, जैसा कि मैं आपको डेली वीडियोज़ में बताता हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं वहाँ पर डेली जो है करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स सारे PDF प्रोवाइड करता हूँ, नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो आप दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप डेली मॉर्निंग में ज़रूर देखा करें करंट अफेयर्स की वीडियोज़। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।